आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे दो खूबसूरत हसीनाओं को जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हैं यार। और ये बाइक बहुत लोगों का ड्रीम भी है, बोले तो BMW S1000RR वर्सेस डुगाटी पैनिगाले V4। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं इनके इंजन से। सो डुगाटी पैनिगाले V4 का इंजन प्रोवाइड करता है 1100 3cc फोर सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन, और BMW S1000 का इंजन प्रोवाइड करता है 999cc फोर सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन। सो इंजन में तो हमारी डुगाटी पैनिगाले V4 विनर है। तो चलो इन दोनों के पावर एंड टॉर्क की बात कर लेते हैं। सो S1000 की है 212 PS की पावर एंड 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क, और वहीं डुगाटी की है 220 PS की पावर और इसका टॉर्क है S1000RR से एक कम 112 न्यूटन मीटर। सो पावर एंड टॉर्क में तो दोनों ही इक्वल हैं। तो चलो बात कर लेते हैं कितना खाती है और कितना दौड़ती है, मतलब कितनी टॉप स्पीड है और कितना माइलेज दे जाती है। सो डुगाटी पैनिगाले V4 आराम से दे जाती है 13.1 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज, और इसकी टॉप स्पीड है 299 किलोमीटर पर आवर, और S1000RR की टॉप स्पीड है 303 किलोमीटर पर आवर, और ये आराम से दे जाती है 15.62 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज। सो माइलेज एंड टॉप स्पीड में तो हमारी BMW S1000RR विनर है। तो चलो इन दोनों के प्राइस की बात कर लेते हैं यार। सो डुगाटी पैनिगाले V4 का एक्सशोरूम प्राइस है 33,65,000, और वहीं S1000RR का एक्सशोरूम प्राइस है 27,52,000। देखो यार, मान लो कि मेरे पास कहीं से भी 35 लाख रुपीज आ जाए तो मैं तो BMW S1000RR ही लेना पसंद करूंगा यार। अब आपके मन में चल रहा होगा S1000RR ही क्यों, डुगाटी भी तो ले सकते हैं। तो चलो बताता हूँ क्यों। क्योंकि S1000RR की टॉप स्पीड एंड माइलेज डुगाटी से ज्यादा है और प्राइस कम है, इसलिए मैं तो S1000RR ही लेना पसंद करूंगा। अगर आप पे भी कहीं से भी 35 लाख रुपीज आ जाए तो आप कौन सी सुपर बाइक्स लेना पसंद करोगे, एक बार कमेंट्स में बताओ।